गुड मॉर्निंग एवरी वन एंड अ वेरी हैप्पी गुरुपूरब टू यू। आज मैंने प्लान किया कि आज मैं गुरु की चरणी लगूंगी। गुरु की चरणी लगना मीन्स लिटरली बींग ऑन द फीट ऑफ गॉड। इट्स द डे जिस दिन अ सिख पर्सन कैन स्टार्ट रीडिंग गुरु ग्रंथ साहिब। सो नानी ने स्टार्ट किया अरदास से एंड दैट्स हाउ द प्रोसेस बिगन। And yes, what better day than Guru Nanak's birthday, that is Guru Purab. अंग संग सहाय होना हर विदार पते वृक्ष वाहेगुरु जी अपनी मेहर कृपा दृष्टि सदस कराए रखा तो दासन दुख तो क्लेश करते वाहेगुरु जी अपनी मेहर की बख्शिश कृपा दृष्टि बनाए रखो नानक नाम के बने सरबत बोले सोनिहाल बोले सोनिहाल बोले सोनिहाल। इसके बाद नानी ने वाक लिया। वाक इज द डिक्री फॉर द डे जो गुरु ग्रंथ साहिब जी अपना एक हुक्म देते हैं। मैं मूर्ख भी केतक बात है कोट पुराध की तो शरणाए जियो मेरा शहर की चित में मेरे सबसे दुख गवाए जियो तेरे दरबार जो आवे मुरादा मंदिया पावे ना खाली जावे नर नारी गुरु नानक निरंकारी बाबा नानक निरंकारी। एंड देन आई वॉज गाइडेड ऑन हाउ टू स्टार्ट रीडिंग गुरु ग्रंथ साहिब। आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचे सोच न होई जे सोची लखवा चुपे चुप न होई जे लाए रहा लिता भुखिया भुख न उतरे जे बन्ना पुड़िया पार सह सियाण पालक होए ता इक न चले नाल किव सचियाला होए किव कूड़े टुटे पाल हुक्म रचाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्मे होवर आकार हुक्म न कहया जाई हुक्मे होवर जी हुक्म ले वडियाई हुक्मे उत्तम नीच हुक्मे लिख दुख सुख पाई एक ना हुक्म बख्शीस एक हुक्मे सदा पाई हुक्मे अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोई नानक हुक्मे जे बुझे ता हुक्मे कहे ना कोई गावे को तान होवे किसे तान गावे को दास गाईशा गावे को गुरु रहया चार गावे को विद्या विकम विचार। पाठ करने के बाद हमने गुरु ग्रंथ साहिब जी को उनका कंबल वापस उड़ाया। और हाँ, ये एज़ पर सीज़न होता है। अगर आप लोग सोच रहे हैं तो गर्मियों में पतला कपड़ा दिया जाता है और इस टाइम मोटा कंबल कॉज सर्दियाँ चल रही हैं। And here comes my favorite part of any part in the house, Kada Prasad. Kada Prasad में भी कुछ मर्यादाएँ हैं। I guess many people don't know। पहले हम इस पर कृपान लगाते हैं
एंड देन वी टेक आउट 5 पार्ट्स फॉर 5 प्यार। एक अलग से कटोरी में 5 बार प्रसाद डाल के इसे वापस मिला दिया जाता है एंड देन इट बिकम्स ओके टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द संगत। And that's how I planned a new beginning in my life on this auspicious day. May Guru Nanak bless all of you by keeping all of you in his feet. Happy Guru Purab.